हेलो गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सौरभ वर्मा फ्रॉम। तमाम दर्शकों का कमेंट आ रहा था, भैया एक दिन का टाइम है हमारे पास, छुट्टी लेकर आए हैं या किसी काम से आए हैं, तो हम अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमें, कौन कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, कौन कौन सी सबसे फेमस जगह है, वहाँ पर हम जाकर अयोध्या में घूम सकें, मंदिर में दर्शन कर सकें, उसकी क्या टाइम रहने वाला है और आरती वगैरह कब होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग अयोध्या घूम सकते हैं केवल एक दिन में। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अयोध्या किस लिए फेमस है, और यहाँ पर 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो देखने के लिए मिला है। अभी तक मैं अगर बात करूँ तो करीब 1.5 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु राम जी के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। भैया आपने अभी तक नहीं किया तो आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तो आप भी आइए और मंदिर में दर्शन कर लीजिए। मैं इस वीडियो में ये नहीं बात करूँगा कि आपको अयोध्या तक कैसे आना है, बल्कि ये बात करूँगा अयोध्या आने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग मौसम की बात कर लेते हैं, कौन से मौसम में आना यहाँ पर सबसे उचित रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे ठंडी में आइए, चाहे गर्मी में आइए, चाहे बरसात में आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको टेंशन है कि यहाँ पर बर्फ़बारी होने लगेगी, ना तो आपको कोई भी टेंशन होगा कि यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, ना तो आपको कोई टेंशन होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी मौसम में आ सकते हैं। अब यहाँ तक आने में साधन क्या क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं तब तो साधन खोजना ही नहीं है, अगर आप बस से आते हैं तो बहुत ही आसानी से बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और हवाई यात्रा करके भी आ सकते हैं। अब आप अयोध्या पहुँच चुके हैं, और अयोध्या पहुँचने के बाद आप रुकेंगे कहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं और दूसरा आप होटल में भी रुक सकते हैं, या होम स्टे भी यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। बस सब जगहों का जो चार्जेज है, किराया है, वो अलग अलग है। सबसे कम जो किराया है वो धर्मशाला का है, और इसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ता ही आता है। वैसे तो कई धर्मशाला यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ टॉप धर्मशाला की बात कर लेते हैं। सरयू धर्मशाला, बरनवाल धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, श्री राम जानकी ट्रस्ट धर्मशाला, हनुमान भवन धर्मशाला, श्री अवध धर्मशाला, श्याम सुंदर धर्मशाला, और ऐसे ही बहुत सारे धर्मशाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिनका किराया रेंज है 200 से लेकर 300। अगर आप सिंगल हैं तो करीब 150 में भी काम हो सकता है। अब चलिए कुछ टॉप होम स्टे की बात कर लेते हैं। वृंदावन गार्डन, कलश गेट्स हाउस, हैप्पी फैमिली होम स्टे, श्री निवास होम स्टे, श्री राम इंटरनेशनल होम स्टे, श्री नारायण भवन, वैदेही होम स्टे, इन सभी में अगर आप रुकते हैं तो करीब 1500 से 2000 इन्हीं के बीच में किराया है। और बाकी अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप बड़े होटल को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है अयोध्या में, जैसे कि टेंट सिटी अयोध्या सरयू घाट, होटल अयोध्या पैलेस एपी पैलेस होटल, टेंट सिटी ब्रह्मकुंड, श्री राम होटल, रामायणा होटल, रामप्रस्थ होटल, और ऐसे ही कई फेमस होटल यहां पर उपलब्ध हैं। रुकने का तो व्यवस्था हो गया, अब खाना आपको होटल में भी मिल सकता है जहां पर आप रुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन करने से पहले आप चाहें तो सरयू नदी में जाकर स्नान भी कर सकते हैं, बगल में राम की पैड़ी है, वहाँ पर भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं, आपको बहुत से श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राम पथ मार्ग पकड़कर हम लोग चलेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी होता है, तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर खुलने का टाइम 4:00 से लेकर 10:00 तक है। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद हम दो रास्ते से श्री राम जन्मभूमि जा सकते हैं, एक तो भक्ति पथ पकड़ के श्री राम जन्मभूमि जा सकते हैं, और दूसरा
हम लोग राम पथ पकड़कर भी मुख्य प्रवेश द्वार से श्री राम जन्मभूमि पथ जा सकते हैं और फिर हमको करीब 900 मीटर पैदल चलकर फिर प्रभु जी के दर्शन होंगे। इसके अलावा आप अगर व्हील चेयर का यूज करना चाहते हैं तो आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर ही व्हील चेयर भी उपलब्ध है, वहां पर आपको फ्री में व्हील चेयर मिल जाएगा। अगर व्हील चेयर को धकेलने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता है तो आपको वहां पर एक व्यक्ति भी मिल जाएगा व्हील चेयर को धकेलने के लिए, लेकिन वो अपना चार्ज जरूर लेगा। अब आपको मुख्य प्रवेश द्वार से आगे बढ़ना है और आपको जहाँ पर स्कैनर मशीन मिलेगी वहाँ से आपको अपने बैग स्कैन करके फिर आगे जाना है। आगे जाकर आपको ढेर सारे लॉकर दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर नंबरिंग हुई रहेगी, उस जगह पर आप जाकर अपने बैग मोबाइल जमा कर सकते हैं। बिना बैग मोबाइल जमा किए आप मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपने कीमती सामान ले जा सकते हैं, जैसे आपने चैन पहना है गले में या कोई जेवरात, या फिर आप अपने पैसे ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन का टाइम है सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक। लेकिन हाँ रात्रि 10 बजे ना जाएं, बल्कि आप 9 बजे जाएं, क्योंकि जो भी भक्त अंदर रहते हैं उन्हीं लोगों को केवल रात्रि 10 बजे तक दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा आपको आधे घंटे पहले रोक दिया जाता है जिससे मंदिर 10 बजे तक खाली हो जाए। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक 6 बार आरती होती है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक, भोग आरती सुबह 11:30 बजे, माध्यान्ह आरती दोपहर 2:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे और शयन आरती रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। आरती में शामिल होने के लिए आपको 1 महीने पहले से पास बनवाना पड़ता है और एक पास यहाँ पर बनता है सुगम दर्शन पास, जो 3 दिन पहले बनवाना पड़ता है। यह आरती पास आपको श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। एक और सवाल आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि मंदिर में दर्शन करने में कितना समय लगता है। अगर आप विदाउट पास मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपको 30 से 45 मिनट लगता है, और अगर आप पास लेकर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो भी आपको 20 मिनट कम से कम लगने वाला है। प्रभु राम जी के दर्शन करने के बाद आप वहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित दशरथ महल जा सकते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रवण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाराजा दशरथ ने इस महल की स्थापना की थी। वर्तमान समय में यह एक मंदिर बन चुका है जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, जहां पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। दशरथ महल का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद शाम को 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। इन्हीं के बीच में आप महल में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दशरथ महल में दर्शन करने के बाद आप 400 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कनक भवन। माना जाता है कि माता सीता जी को कनक भवन रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। वर्तमान मंदिर जो आप देखेंगे वह 1891 में ओरछा की रानी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर बाहर से भी अति सुंदर है और अंदर से भी अति सुंदर है, जहां पर आप बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं। यहां पर आपको श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाएंगे। कनक भवन के ओपनिंग टाइम की बात करें तो सुबह 8 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 4:30 बजे खुलता है और रात्रि में 9 बजे बंद होता है। अब अगर आपको घूमते घूमते दर्शन करते करते भूख लग गई हो तो आप सीता रसोई में जाकर भोजन भी कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में, जो कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर से पहले आपको मिलेगा, जो कि दशरथ महल से थोड़ा आगे
भक्ति पथ पर ही स्थित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख जगहें, चलिए इसको फटाफट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हर चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आपने भोजन कर लिया, अब आप इन प्रमुख जगहों पर भी घूम सकते हैं, जैसे कि सरयू घाट पर, राम की पैड़ी पर, कुप्तार घाट, तुलसी स्मारक भवन, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, मणि पर्वत या काले राम मंदिर, गोरे राम मंदिर, सुग्रीव किला, शेषावतार मंदिर, नया घाट, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, तापसी छावनी, त्रेता के ठाकुर, चूरी कुंड, दंत दामन कुंड, राम कथा संग्रहालय, और ऐसे ही 5000 से ज्यादा मंदिर हैं अयोध्या में, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। लेकिन हर जगह घूमना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, तो जितनी भी विशेष मंदिर थी उसको मैंने डिस्क्राइब किया, वहां पर आप जाकर घूम सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो शेष जिनका नाम बताया वहां पर भी जाकर आप घूम सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।